हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहली बातें पर। मैं हूं आरडी और मेरे साथ है एजे और हम मिलकर आज फिर करने वाले हैं बैक बैक। दोस्तों त्योहार का मौसम आ गया है, बॉलीवुड के लिए भैया बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। हाँ, फिर क्या, दिवाली आ ही रही है। बराबर, लेकिन दिवाली आने के पहले ही कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों ने अपना बम फोड़ दिया है। हाँ, 2 से 3 पिक्चर रिलीज हो रही है पैक टू पैक। कौन कौन सी? वैसे तो 2 मूवी का हाइप बहुत ज्यादा है। हाँ? एक तो है राम सेतु। हाँ? तो दूसरी है थैंक गॉड। थैंक गॉड इस बार बायकॉट नहीं होगी बॉलीवुड की मूवी। हाँ, क्योंकि दोनों का नाम भगवान के ऊपर ही है। सही बात है, लेकिन माना जाना चाहिए ये बात बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड चेंज हो रहा है, वो भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे? कायदे से। रिमेक नहीं है ये दोनों मूवी किसी की भी। हाँ, वो तो है। और एक बार फिर बड़े दिनों बाद अक्षय कुमार और अजय देवगन साथ में लड़ने वाले हैं। राइवलरी। वाह, क्या लगता है कौन सी मूवी बेहतर होगी? मेरे को लग रहा है अजय देवगन थैंक गॉड। नहीं, मुझे लगता है राम सेतु। क्यों लगता? मैं बाद में बताना चाहूंगा, पहले तुम बता लो। मेरे को अजय देवगन, मेरा भी नाम अजय है तो अजय देवगन। वाह, नहीं मुझे लगता है कि ये जो थैंक गॉड है उसमें 4 मुद्दों पर बात जहां पे की गई है, काम क्रोध लोभ मोह। ये क्या होता है? ये मैं जब मूवी का रिव्यू करूंगा तब बताऊंगा। बड़े बेरे हैं मैं यार ये। ठीक है, ट्रेलर में थोड़ी थोड़ी चीजें बतानी चाहिए। इंसानी और यमदूत चित्रगुप्त, इनके बीच का जो रिलेशन है वो दिखाया गया है थैंक गॉड में, जो कि चित्रगुप्त का रोल प्ले करने वाले हैं अजय देवगन और उनके को एक्टर रहेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत और भी कोई छोटे छोटे कैरेक्टर्स नजर। एक चीज को भूल रहे हो। अरे यार, मेरे दिल की धड़कन, सबकी दिलों की रानी नोरा। हा हा, ये सुधरने वाला नहीं है। चलो बात करते हैं राम सेतु की। हाँ। राम सेतु के ट्रेलर को देख कर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बहुत सदियों से, मैं बोलूं एक साइंटिस्ट, एक जितना अपना साइंस है हमेशा क्वेश्चन मार्क लेकर चला है कि आखिर राम सेतु पानी के ऊपर ये पत्थर तैरते कैसे हैं? ये मूवी में शायद से बताया गया। एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का जवाब लेकर आ रहा है राम सेतु मूवी। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स, तुम्हारा साइंटिफिक एडवेंचर और एक्शन भी नजर आ रहा है। एग्जैक्टली ये सारी चीजों का मिक्सचर है राम सेतु, तो इसलिए भैया मैं जाने वाला हूँ राम सेतु देखने। ओके, मैं जाऊंगा थैंक गॉड देखने। चलो थैंक गॉड कि एक ही दिन में 2 मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जो देखूंगा वो ये भी देखेगा और जो ये देखेगा वो मैं भी देखूंगा। लेकिन दोनों की चॉइस अलग अलग है। मैं नोरा। क्या हुआ भैया? कैमरामैन कह रहे हैं कि हमको भी ले लेना। भैया उनको भी लेना है तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं कि ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आती है। तो आपको जो भी मूवी के बारे में सजेशंस हो कि हमको कौन सी मूवी फर्स्ट देखनी चाहिए और उसका रिव्यू पहले करना चाहिए, उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं या हमको डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यार बताया नहीं यार तुमने, यार राम से तुम्हें कौन कौन नजर आ रहा है? भाई उसमें वो आ रहे हैं ना जो पूरे साल नजर आते हैं। और भी है, और भी है, और भी 3-4 है। जहां अक्षय कुमार होते हैं ना बाकियों के सीन कट जाते हैं। बात करना बेकार। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं 25th of October को। yes. जहां पे आप बताएंगे हमको कि हमको कौन सी मूवी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं, जिसका हम रिव्यू फर्स्ट करेंगे। एग्जैक्टली exactly. और आप भी ये मूवी देखना ना भूले। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए। प्लीज बोला है यार, शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर 25 तारीख को बढ़िया रिव्यू लेकर राम सेतु और थैंक गॉड पर। बाय बाय, सी यू। शबकै।